लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं मैचेस के जरूर आऊंगा लेकिन फैंस बहुत मायूस हो रहे हमेंगे इनशा इजहार किया इस बात का इसके ऊपर आप क्या, क्या कहना चाहेंगे विराट कोहली क्या टीम का हिस्सा नहीं है देखिए दो है कि उन्होंने पहले दो टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं होंगे अपनी टीम का जो कि यकीनी तौर पर उनकी अंदर मौजूदगी में उन जैसा तो कोई नहीं है कि जो exactly. उसकी जगह को ले सके हुँ. आ, लेकिन उन्होंने ताती वजूहत बयान करते हुए अपने पहले दो टेस्ट मैचेस का हिस्सा ना बनने का फ़ैसला किया है इंग्लैंड की टीम आ, पहुंची हुई है आ, इंडिया खेलने के लिए पांच टेस्ट मैचेस हैं हुँ. और ये लगभग मेरा ख्याल है पच्चीस मेरा ख्याल है पच्चीस जनवरी से शुरू होना है पहला जी, टेस्ट मैच और ये मिड मार्च तक शायद जाएगी पी के साथ साथ ही कहीं करीब करीब ख़त्म हो गई ये वाले उनकी टेस्ट सीरीज़ भी तो अच्छी क्रिकेट 25 दिन का प्ले आ, जो टाइम है ना पाँच दिन फ़ी हिसाब से अगर पाँच दिन टेस्ट मैच टेस्ट मैच चलता है तो 25 दिन की बड़ी शानदार क्रिकेट जो है वो देखने को मिल सकती है दुनिया भर में जितने भी लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं चूँकि जब टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है साउथ अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है इंडिया में और तो ये दुनिया की बड़ी टीमें हैं तो इनमें इनमें लोगों के आप देखें ना बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में था हाँ। मतलब साठ साठ सत्तर सत्तर हज़ार लोग एक दिन में स्टेडियम आए थे टेस्ट मैच देखने के तो लिए ऐसे तो ये लोगों की पसंदीदगी और दिलचस्पी तो है और अगर इंग्लैंड और इंडिया खेलेंगे तो दोनों टेस्ट क्रिकेट की बेहतरीन टीमें हैं जो यहाँ पर अगर असल में टेस्ट होना है एक वो ये होगा क्या इंग्लैंड अपने उस रिवायती अंदाज में टेस्ट मैच को खेलने में कामयाब होता है इंडिया में भी या नहीं क्योंकि वो एक जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं टेस्ट मैचेस में भी तो ये चेक होगा बेसिकली कि इंग्लैंड इंडिया में क्या वो अपनी वो रिवायती तर्ज क्रिकेट है जो पांच रोज़ा में जो उसने उन्होंने अपनाया हुआ है क्या उसके मुताबिक वो खेलने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं दूसरी तरफ इंडिया है देखिए अभी साउथ अफ्रीका में वो दूसरा टेस्ट मैच जीतकर केपटाउन में, जीत कर, केप टाउन में। यहाँ पर आए हैं और वहाँ पर भी पिच के हवाले से बात हुई थी यहाँ पर आप देखें उनको कैसी पिचेस मिलती हैं इंडिया में अमूमी तौर पर आपको आ, स्पिनर्स के लिए मददगार विकटें मिलती हैं हाँ। लेकिन आखिरी मरतबा जब इंग्लैंड खेलने के लिए आया था मेरा ख्याल है आखिरी मरतबा तो जिमी एंडरसन ने बहुत आउट किए थे कुछ मैचेज में इनके तो वो रिवर्स बहुत अच्छा करते हैं जब पिच थोड़ा सा रफ हो जाता है ना जहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती है वहीं पर अगर कोई रिवर्स स्विंग करने वाला बॉलर है तो उसको भी अच्छी ख़ासी मदद मिलती है तो जिमी एंडरसन भी एक और पाकिस्तान में भी, भी वैसे जिमी ने जब ये खेलने के लिए आए थे गुजशत बरस टेस्ट सीरीज़ के तो उस यहाँ पर हालांकि उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है मतलब वो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है लेकिन उसके बावजूद जो उनका कंट्रोल है जो रिवर्स स्विंग और जिस तरह से वो बैट्समैन को सेटअप करते हैं आउट करने के लिए वो बहुत ही शानदार मंजर होता है तो चूँकि टेस्ट क्रिकेट है दो दो तीन तीन स्लिप्स लगी होंगी आपकी जो कैचिंग आ, जो आपकी पोजिशन हैं वो देखेंगे फील्डर्स बिल्कुल ऊपर खड़े होंगे पाकिस्तान में ये काफी दफा नजर आया जब वो पाकिस्तान में खेलने के लिए आए थे तो अब देखना यह है कि इंग्लैंड में इंग्लैंड इंडिया में कैसी क्रिकेट खेलता है लेकिन विराट की कमी पहले दो टेस्ट मैचेस में यकीनी तौर पर लोग महसूस करेंगे और रिदा ने भी बहुत, बहुत बड़ा दुखी होकर दुखी ये दुखी खबर भी ना मुस्कुराते मुस्कुराते सुनाती है बिल्कुल रिदा और भी कमेंट शामिल करना प्लीज बिल्कुल सिमरन राघव अगेन आ गई हैं जी हाफिज साहिब ग्रेट शो लुकिंग हैंडसम एज ऑलवेज लव फ्रॉम अमृतसर प्लीज़ मेरा कमेंट ऐड किया करें वो कहती है कि मैं बड़े हाफिज़ मोहब्बत से के। बहुत शुक्रिया जी आपका आप लोग जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं आप लोग देखते रहा करें और आपके कामेंट्स ज़रूर शामिल करते हैं बाजूत रह जाते हैं लेकिन जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ये रिदा और आप मीरब को भी देखते रहते हैं सुनते रहते हैं आप अपने ख्याल का इजहार करते हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सारी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया ये जो हमारे पेजेस हैं कौन कौन से पेजेस हैं जी जी हमारा गेम सेट मैच है जिसके ऊपर हमारा ये शो लाइव चलता है उसके बाद टी टीवी पर भी हम इसको शेयर करते हैं इसके अलावा हमारा YouTube पर समा स्पोर्ट्स के ऊपर ही अपलोड होता है समा टीवी पर भी हम इसको अपलोड करते हैं तो समा के नाम से आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको हमारा शो जरूर नजर आएगा समा है ये क्रिकेट का एक और कमेंट ऐड करना चाहूंगी मैं सिमरन डू यू थिंक न्यू मैनेजमेंट फिटनेस पे ध्यान देगी फिटनेस की बेस पर सिलेक्शन होगी देखें जहाँ तक ताल्लुक इस चीज का है कि फिटनेस पर ध्यान होना चाहिए जब आप हाईएस्ट लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं ये कैसे आप कह सकते हैं जी कि मैं मतलब है कि अगर फिट नहीं हूँ तो मुझे खिला लिया जाए या टीम मैनेजमेंट भी कैसे ये तस्वर कर सकती, कर सकती हाँ। है कि वो फिज़िकली हंड्रेड परसेंट फिट ना हो खिलाड़ी और उनको आप टीम में या सेलेक्ट कर लें या फिर उनको प्लेइंग एलेवन में डाल लें तो ये तो बुनियादी तौर पर आपको इसके ऊपर तय करनी है चीज़ें हाँ। आपको चेहरों को देख कर नहीं आपको फिज़िकल फिटनेस, फिटनेस का जो एक पैमाना और मैार मुर्र कर रखा है उसको देखते हुए ही आपको अपनी टीमों की सिलेक्शन करनी चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर अभी देखें अगर आप दुनिया की क्रिकेट को देख लें ना तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान काफ़ी पीछे उनसे नज़र आ रहा है दुनिया की तमाम टीमों से और अगर पीछे है पाकिस्तान उसमें बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है ना टीम मैनेजमेंट को तो देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप बुरा भला कह लें आप जो गैर मुल्की ट्रेनर है उसको बुरा भला कह लें आप सिलेक्शन कमेटी को कहें आप टीम का जो कोचिंग स्टाफ है उसको कहें लेकिन क्या ये खिलाड़ियों की अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि हाँ। उन्होंने अपने आप को इतना फिट, फिट रखना जो अपनी उनकी जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर उसको तो वो खुद भी पूरा कर सकते हैं अगर अगर वो खुद ही फिट देखें ये फिजिकल फिटनेस ऐसे ही है जैसे आप अपनी नेट प्रैक्टिस करते हैं जैसे आप अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं और आप

उन मसायल को हल करने के लिए उनकी खदमात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेता था अब जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि ज़क़ा अशरफ ने किया है पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब तो इंजाम साहब से भी ये सवाल है ना वर्ल्ड कप के लिए टीम उन्होंने मंतख की थी तो क्या फ़िज़िकल फिटनेस अगर उस वक्त ठीक नहीं थी तो क्या इंजमाम साहब उसके ज़िम्मेदार नहीं थे क्या उन्होंने इस पर बात की कि, कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर था और ये खिलाड़ी है इनकी वर्ल्ड कप के दौरान ही वसीम अक्रम ने भी कहा था ना वर्ल्ड कप के दौरान ही हमने साढ़े तीन बजे ये बात की थी शो में कि टीम की फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है और उसके उसी दिन शाम में वसीम अक्रम साहब ने जिस टेलीविजन चैनल के साथ वो मुंसलिक थे उन्होंने बात की थी कि फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है और उसके बाद फिर दुनिया भर में ये शोर मचा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है तो उस टीम को सिलेक्ट किसने किया था चीफ सेलेक्टर साहब ने किया था ना तो ठीक है जका अशरफ साहब अपनी जगह पर जिम्मेदार होंगे उन कौन सी उनकी कोई तारीफ कर रहा है